नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष बेस्ट बाय में आपका स्वागत है। आखिर किस प्रकार माँ दुर्गा ने अपने भक्तों की जान बचाई, चलिए जानते हैं। दोस्तों, राजस्थान के गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। उसका संसार में कोई नहीं था, वो अकेला ही रहा करता था। वो दिन भर खेतों में काम करता और माँ दुर्गा की पूजा में लगा रहता और पास में ही दुर्गा जी के मंदिर में जाकर श्रृंगार करता और उन्हें भोग लगाया करता, उनकी सेवा पूजा किया करता। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट क्यों ना हो, वह माँ दुर्गा से अपनी मदद की गुहार लगाता और उसकी आस्था कुछ इस प्रकार की थी कि माँ दुर्गा उसकी हर इच्छा को पूर्ण कर देती। एक दिन वह व्यक्ति मंदिर में बैठे बैठे माँ दुर्गा से कहने लगा कि माँ, मेरे जीवन में एक बस आखिरी इच्छा बाकी है, आप उसे पूर्ण कर दीजिए। मैं एक बार बस आपके दर्शन करना चाहता हूँ, आप मुझे कृपया कर दर्शन दे दीजिए। गाँव वाले उसकी इस बात को सुनकर उसका उपहास करने लगे। देखिए, यह आदमी बुढ़ापे में पागल हो रहा है, ऐसा कभी हो सकता है कि माँ दुर्गा स्वयं आए और इसे दर्शन दे? परंतु उसने अपनी आस नहीं छोड़ी, उसे विश्वास था कि माँ दुर्गा आकर उसको एक दिन जरूर दर्शन देगी। एक दिन उसे किसी काम से बाहर जाना था, वह सुबह ही जल्दी उठकर माँ दुर्गा जी की पूजा कर गाँव से निकल गया। अपने गाँव से दूसरे गाँव जाने के लिए उसे एक पहाड़ी को पैदल पार करना था। शाम के समय अपना कार्य खत्म कर वापस अपने घर की ओर वह निकल गया। उस पहाड़ी को पार करते समय उस व्यक्ति का पांव फिसल गया और वह नीचे गिरने लगा। गिरते हुए उसने वहां पर एक पेड़ को पकड़ लिया, परंतु ऊपर आने में वह समर्थ था। वह चिल्ला चिल्ला कर किसी को अपनी मदद के लिए बुलाने लगा, परंतु वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी वहां एक छोटी बच्ची आई और उसने आवाज देकर पूछा, कौन है वहां पर, आप नीचे कैसे गिर गए? तब उसने बताया कि मेरा पैर फिसल गया और मैं नीचे गिर गया, तुम भागकर किसी को बुला लाओ। बोली, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, मैं आपको ऊपर खींच लूंगी। उन्होंने बोला कि बच्ची, अभी तुम छोटी हो, तुम मुझे नहीं खींच पाओगी, मेरा वजन सहन नहीं कर पाओगी। लेकिन वो उनको पकड़कर ऊपर की तरफ खींचने लगी और उस बच्ची ने उसे ऊपर खींच लिया। उस व्यक्ति ने उस बच्ची का धन्यवाद किया और उससे पूछा कि तुमने कैसे अकेले मुझे ऊपर खींच लिया। छोटी बच्ची ने उत्तर दिया, यही तो मेरा कार्य है, जो मेरे हैं वो मेरे अपने हैं, मुझे उनकी रक्षा सदैव करनी पड़ेगी। ये कहकर वह बच्ची वहां से गायब हो गई। उस व्यक्ति को मालूम हुआ कि ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ दुर्गा ही थी जिन्होंने उसकी जान बचाई। वो वापस घर गया और गांव वालों को सारी बात बताई। सब उसका फिर से उपहास उड़ाने लगे। उसकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया, परंतु वो जानता था कि ये कोई मजाक नहीं था, सच में माँ दुर्गा आई थी और उन्होंने उसकी रक्षा की थी। दोस्तों, आपका क्या विचार है, क्या सच में माँ दुर्गा ने ही उस व्यक्ति को बचाया था? वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्या ये सच है या सिर्फ एक वहम। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।